नमस्कार, मैं हूं सुदीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आई डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर गुरदासपुर से है, जहां जिला गुरदासपुर के हल्का बटाला के गांव मलकपुर में आज शराब के ठेके के मुलाजिम से लुटेरों ने पिस्टल के नोक पर हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस जाँच कर रही है, अभी तक कोई भी दोषी पकड़ा नहीं गया है। सर की नाम अपना जी? मेरा नाम विनोद कुमार। कितों दे रहने वाले? मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा रहने वाला, हिमाचल प्रदेश का। आज की होया? अज हो दो बंदे पै गए जी, एक कोल पिस्टल सीगी ते एक कोल डांग सीगी। उन्हें पिस्टल रखती मेरे सिर ते, एक ने ते एक जड़ा सेंदर बढ़ गया, वो कैश वगैरह ले गया सारा जड़ा भी सीगा। 15-16 हज़ार दे करीब सेल हुंदी है, वो सारी ले गया। कित्थे काम करदे जी? मैं इत्थे मलकपुर काम करदा जी, बटाला च। कादा? ये ठेके ते काम करदा जी। किन्ने बजे घटना होई? ये होई कोई 8:15-8 बजे दे विच जी। छाल मार के अंदर वड़ गया, मेरे सिर ते डांग लगा मारना। मैं आख्या भरावा मैनू मारे, उन्हें मेरे छोटे छोटे बच्चे न, जिहड़ा जिहड़ा हैगा तुसी जिहड़ा सा कैश चक के जिन्नी देर उन्हें फड़ के ले गए। मैं उन्होंने जिहड़ा सा कुछ कहण जोग। हाँ जी, पिस्टल सीगा जी छोटा। किद्दां दे हो? ए बंदे मोने ही सीगे ते उन्हें जैकटा वगैरह पहनिया सीगियां ते मूँह वगैरह बन्ने सीगे। इस तो पहला भी इदां कोई घटना होई? नहीं जी, मेरे नाल अज दिन तक नहीं हुई कोई भी घटना इदां दी। मैनू जिहड़ा सा 4-5 साल हो गए। तोड़ता सारा कुछ। प्रशासन को इंसाफ चाहते ने जी। मेरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिला से डाकखाना अड़ो पिन नंबर है। हाँ जी, ना कितना हम मैं देखिया कुछ देखिया जिस टाइम एक इधर पर जी ना करे हो तांग रहना है उन्हीं मुंह भाग कुछ नहीं बनने ऐसी तेरा कुछ कैसी मोटरसाइकिल है। ਜਿਹੜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਆ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਨ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਟੱਪ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰ, ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24।